त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को लेकर सरदारपुर विकासखंड में अब जनसंपर्क तेज हो गया है। तहसील की बड़ी पंचायत राजोदा से सरपंच पद के उम्मीदवार जितेंद्र गामन ने अपना घोषणा पत्र भी जारी किया है, जिसमें विभिन्न प्रकार के कार्य करने की घोषणा भी की है। पता है पंचायत चुनाव का प्रचार जोरों पर है। इसी कड़ी में हम सरदारपुर तहसील की सबसे बड़ी पंचायत राजोद में उपस्थित है और हमारे साथ सरपंच बन के प्रत्याशी हैं, जिनसे हम जानेंगे कि वो किन मुद्दों को लेकर जनता के बीच जा रहे हैं और उनको कैसा सहयोग प्राप्त हो रहा है। भाई साहब, आप सरपंच पद के चुनाव के लिए उम्मीदवार हैं, आपका विज़न क्या है? जी, अपना पहला विज़न तो ये है कि अपन यहाँ के स्थानीय उम्मीदवार हैं और जनता का समर्थन भी अच्छा मिल रहा है और गाँव का विकास कर रहा है। अच्छा, सभी जो भी उम्मीदवार होता है वो चुनाव ना जीते उससे पहले यही बात कहता है कि गांव का विकास करना है, आप कैसे विश्वास दिलाएंगे जनता को? सब एक तो मैं यहाँ का स्थानीय हूँ, उसके बाद में यहाँ पर जो परेशानी है वो स्थानीय को पता है कि यहाँ पर नाली की परेशानी है, स्ट्रीट लाइट की परेशानी है, नल की व्यवस्था सही नहीं है और इन सब की व्यवस्था सही हो सकती है क्योंकि हमारे पास पानी भी पर्याप्त है और पाइपलाइन भी अच्छी है, दुरुस्त है, वाल भी अच्छे हैं, सब कुछ है, सिर्फ व्यवस्था करने की आवश्यकता है। हम अभी राजद पंचायत में जनता के बीच भी गए थे, जहाँ सबसे बड़ा मुद्दा हमको एक ही मिला कि कचरा गाड़ी वाहन यहाँ पर आज भी नहीं है, तो इस संबंध में आप क्या कहना चाहेंगे? जी, कचरा गाड़ी की प्रोसेस चल रही है, कचरा गाड़ी वाहन का पहले भी इसके बारे में बात हुई थी सांसद महोदय से, इसके बारे में बात हुई थी, सांसद महोदय ने हमें इस बारे में बताया था कि आप आकर इसका आपकी मांग रखिए और इसको स्वच्छ भारत के अंतर्गत हम आपको दो गाड़ी देंगे। आप जनता के बीच जा रहे हैं तो जनता का किस प्रकार से सहयोग प्राप्त हो रहा है आपको? जनता का पूरा समर्थन है, जनता का सहयोग बहुत अच्छा चल रहा है और जनता चाहती है इस बार स्थानीय उम्मीदवार को, युवा को मौका देकर अपने गांव का अच्छा विकास किया। सरदारपुर से विशेष सी राजपूत की रिपोर्ट।